हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए डिफरेंट टाइप की रेसिपी लाए हैं। फ्रेंड्स, जिसे लौकी नहीं पसंद वो इस तरीके से लौकी को बना के देखे, उनको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं लौकी और चने दाल की रेसिपी। इसके लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए चने। चनों को हम एक दो घंटे के लिए भिगा के रख देंगे ताकि हमारे जो चने हैं वो सॉफ्ट हो जाए और जल्दी से पक जाए। इसके लिए हम कुकर लेंगे। अब कुकर में चने की दाल को डाल देंगे। चने की दाल डालने के बाद हम इसमें लौकी को भी डाल देंगे। उसके बाद 2 से 3 कप पानी डालेंगे। और इसे गैस में 3 से 4 सीटी लगाएंगे। फिर देखिए, हमारी जो चने और लौकी की सब्जी है वो उबल चुकी है। अब हम इसमें लेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने के बाद इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा हल्का सा ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन को भी हमने गोल्डन ब्राउन होने देना है। उसके बाद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने प्याज को अच्छी तरीके से पकाना है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन हमने करना है प्याज को ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आ सके। फ्रेंड्स, एक बार ये रेसिपी जरूर बना के देखें। अब हम इस स्टेज पर यहाँ पर टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी अच्छे से पकाएंगे। टमाटर को हमने अच्छे से पकाना है। इसके लिए हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी से पक जाएंगे। इसे 30 से 40 सेकंड के लिए हमने पकाना है। इसे बीच बीच में हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे ना। हमारे टमाटर पक चुके हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में हम 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच हम इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी मिर्च डालेंगे ताकि इससे इसका कलर अच्छा आए और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें 1/2 कप
पानी ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें तेल ऊपर को दिखाई देने लग जाए तो समझिए कि हमारी जो ग्रेवी है वो पक चुकी है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ग्रेवी है वो पक चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें चने और लौकी को डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमने लौकी और चना पहले ही पका लिया है तो इस सब्ज़ी को बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। 3 से 4 मिनट में ये सब्ज़ी बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सब्ज़ी है वो बन चुकी है। एक बार आप ज़रूर अपने घर पर इसे बनाएं, जिनको नहीं पसंद वो भी इसे ज़रूर खाएंगे। इसमें हम धनिया की गार्निशिंग करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।